सो हाय गाइज, वेलकम टू माय चैनल। जो लोग 11th में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो उनके लिए आपको सबसे पहले ऑफिस वेबसाइट पर आपको किस कॉलेज में आपका गया है एडमिशन होने जाएगा तो आपको देखने के लिए आपको क्या करना होगा, ऑफिस वेबसाइट पर जाना होगा कि आपका कौन सा कॉलेज में गया है। आपने 10 कॉलेज का नाम दिया होगा तो कौन सा कॉलेज में आपको गया है तो कैसे चेक करना है। सबसे पहले आपको मोबाइल या पीसी को ओपन करना है, जैसे अभी आपके पास ज़्यादातर लोगों के पास मोबाइल ही होगा तो मोबाइल में आपको क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है और यहाँ पर आपको टाइप करना है OFFSS टाइप करना है .bihar.in। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो, मोबाइल चाहे रहे चाहे कुछ भी है तो उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे में आपको दिखाई देता रहा होगा, यहाँ पर ऑफिस इस पर आपको क्लिक करना होगा। अब क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा। ठीक है ना, बैक चले जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको देख सकते हैं रेड वाला जो ऑप्शन आपको दिख रहा है, सिंपली आपको इसी पर टाइप कर देना है और यहाँ पर आपको बारकोड नंबर डालना है जो कि 21J करके लिखा होगा और मोबाइल नंबर डालना और कैप्चर आपको फिल करना है, सिंपली प्रिंट पर क्लिक करना है। चलिए हम यहाँ पर फिल करते हैं। सो गाइस, हमने यहाँ पर सारा डिटेल फिल कर लिया, आपको क्या करना है प्रिंट पर क्लिक करना है। ठीक है, जैसे आप प्रिंट पर क्लिक करते हैं तो आपको लगता होगा कि ये नहीं हो रहा है, गलत हो गया, लेकिन आपको नीचे जैसे आप आते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे आप नीचे आइएगा यहाँ पर आपको लगता होगा गलत हो गया, मोबाइल नंबर गलत है या कुछ भी गलत है या कैप्चर गलत है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं होता। नीचे जैसे आप आते हैं आपको यहाँ पर मिल जाएगा टू स्टूडेंट नेम और फादर्स नेम और यहाँ पर कौन सा कॉलेज में आपको गया है तो राम नारायण शिवसोना लखीसरानी इसी कॉलेज में गया है, तो आपको नीचे स्क्रॉल जैसे करते हैं मिल जाएगा। ठीक है, उसके डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पर देख सकते हैं स्ट्रीम आपका साइन है और डाउनलोड करने के लिए डाउनलोड इन्फॉर्मेशन पर क्लिक कीजिएगा और ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, आपका मोबाइल नंबर शो हो जाएगा, कौन सा आरक्षण कोटि में है, बैकवर्ड है, जन्म तिथि आपका शो हो जाएगा, कौन सा नीचे में जैसे स्क्रॉल कीजिएगा तो आपका कौन सा कॉलेज में गया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर आपको प्रिंट करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो आपको क्या करना है, ये लेफ्ट वाला आपको बटन दबाने के बाद आपको यहाँ पर सभी को यहाँ पर कॉपी कर लेना है। ठीक है,